आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। दोस्त कुमार, आप टीडी न्यूज पर टुडे स्पेशल देख रहे हैं और आज हमने सिलेक्ट किया है एक ऐसे शख्सियत को जो काफी दिनों से संघर्ष में है और सारण जिला अंतर्गत परसा क्षेत्र में अपना सुदामा ऑटोमोबाइल इन्होंने यहाँ पे ओपन किया। हालांकि एक साल पहले ही ओपन हुआ था, काफी चर्चित हो चुके हैं। इनका जो संघर्ष है वो काफी सराहनीय है, क्योंकि सच में कहा गया है कि जब कोई आदमी संकल्प लेता है तो किसी भी समस्या को ढा सकता है। कुछ ऐसा ही बात हम अमलेश जी से करेंगे कि आखिर ये सफर इनका कैसा रहा। यहाँ पे जो मतलब सुदामा ऑटोमोबाइल है, उस ऑटोमोबाइल्स के ऑनर हैं। यहाँ पे काफी गाड़ियां आती हैं, मल्टी ब्रांड कार सर्विसेज यहाँ पे हुआ करती हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पे जो जो भी कस्टमर्स आते हैं वो कैसे सेटिस्फाइड होते हैं और इनकी जो जर्नी की शुरुआत हुई वो कहाँ से होती है। अमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से, आपके पूरे टीम का। सुदामा ऑटोमोबाइल्स में बहुत स्वागत करते हैं। आज विश्वकर्मा पूजा है, तो सबसे पहले विश्वकर्मा पूजा के बारे में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जो आपके पास आते हैं, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जो कार अपनी सर्विस आपके यहाँ कराते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? विश्वकर्मा पूजा हम अपने पूरे कस्टमर, अपने चाहने वालों को बताने की कोशिश करते हैं कि विश्वकर्मा पूजा अपने तरफ से सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। विश्वकर्मा पूजा बहुत ही धूमधाम से अपने घर पे भी बहुत लोग मनाते हैं। आज बहुत से कस्टमर मेरे यहाँ आए भी हैं और वो लोग हमारे पूजा में शामिल भी हुए हैं। तो अपने पूरे कस्टमर को विश्वकर्मा पूजा की हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ये शुरुआत कैसे हुई आपकी, मतलब लाइफ में आपको ये पता था कि आपको ऑटोमोबाइल्स में ही जाना है, कैसे शुरुआत हुई है? ये बहुत पहले, आज से 10 साल यानी 11-12 साल पहले की बात है। हर आदमी का एक सोच जो होता है ना, कहने का मतलब कि ज़िंदगी का शुरुआत कहाँ से होना चाहिए, तो इसका पूरा श्रेय जो है अपने पिताजी को देने का काम करेंगे, क्योंकि वो हमें एक पटना में सोनाली ऑटो कंपनी, सोनाली ऑटोमोबाइल, हाँ, वहाँ पे जाके और वहाँ पे हमको एज ए हेल्पर मेरे पापा ने वहाँ पे उनके ऑनर से, सोनाली के ऑनर से रखवाने का काम किए और वहाँ पे एज ए हेल्पर हम अपने करियर का शुरुआत किए, जहाँ पे कोई सैलरी नहीं हुआ करता था। पहले विदाउट सैलरी आप हेल्पर के तौर पे काम कर रहे थे? पहले 6 महीना विदाउट सैलरी हम काम किए थे, काम सीखने का मतलब अनुभव के आधार पे सैलरी वहाँ पे मिलता था। तो चूंकि हम इस फील्ड में नए थे, एकदम जीरो थे, तो हम लोगों को सैलरी नहीं मिलता था। चूंकि 6 महीना अपने घर से खाना पीना खा के वहाँ रूम रेंट दे के हम काम सीखे और 6 महीने के बाद हमको 1200 रुपया सैलरी का शुरुआत किया गया। मतलब 1200 रुपये आप समझ सकते हैं कि पटना राजधानी में 1200 रुपये में क्या होगा। वो सन लगभग क्या था, मतलब वही वो सन 2009 का दौर था और उस टाइम 1200 रुपये हमको सैलरी मिलता था। तो उसी में अपना वहाँ पे हम सारा चीज़ एडजस्ट करने का काम करते थे, रूम रेंट हो या खाने पीने का। बाकी यहाँ घर से जाते थे लोग, चाचा हैं मेरे, पिताजी हैं, ये लोग जाते थे तो वहाँ पे राशन वगैरह घर से जाया करता था, जिसे कि खा के 1 महीना रह के काम सीखते थे। और बहुत से लोग हैं कि इसमें एग्रेसिव हो जाते हैं, जल्दी घर बड़ा के वो वहाँ से मूव कर जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। हम लगन से काम को सीखे और मान लीजिए कि टेक्नीशियन हेल्पर से टेक्नीशियन, उसके बाद अलाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद सर्विस सुपरवाइजर, सर्विस एडवाइजर, ऐसे ही मेरा कैरियर बढ़ता गया। फिर 2010-11 में यहाँ छपरा में सोनाली ऑटोज का दूसरा ब्रांच खुला। अच्छा, तो वहाँ हम लोगों के जीएम के द्वारा बताया गया कि आप जो है छपरा जिनको जाना है वो जा सकते हैं, चूँकि वहाँ ब्रांच ओपन हो रहा है। तो हम वहाँ से छपरा शिफ्ट हो गए और यहाँ आए तो मेरा प्रमोशन एज ए सर्विस सुपरवाइजर में हुआ। उसके बाद कुछ दिनों के बाद सर्विस एडवाइजर हुए, फ्लोर मैनेजर हुए। उसके बाद 2016 में किरण ऑटोमोबाइल में हम ज्वाइन किए, चूँकि सोनाली कंपनी बंद हो गई। उसके बाद वहाँ पे एज ए बॉडी शॉप मैनेजर भी 4 साल काम किए। उसके बाद बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था कि परसावासी, अपने क्षेत्रवासी, जैसे परसा में पूरे लंबा चौड़ा एरिया है, यहाँ पे हमारे ग्राहक लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सर्विस को लेके काफ़ी दिक्कत, सर्विस को लेके उन लोग को मॉर्निंग में 4 बजे भोर में पटना जाना पड़ता था, छपरा जाना पड़ता था, तो वो लोग बिना खाना पीना खाए छपरा पहुँचते थे। और उसके बाद भी वहाँ भीड़ इतना ज़्यादा होता था
कि उनको बता दिया जाता था कि आज सर्विस नहीं होगा तो वो मायूस होके चले आते, दो दिन तीन दिन भी ऐसा लग जाता, दो दिन तीन दिन। तो इसको लेके हम मेरे दिमाग में आया कि अब हम कंपनी से हटके खुद एक अपना एक सर्विस सेंटर खोले जिसमें हमारे क्षेत्र के लोगों को काफी सहूलियत हो, काफी आराम मिले। तो रिसेंटली अभी 2021 में 5 फरवरी के दिन जो है ये अपने कंपनी का उद्घाटन हुआ। इससे मेरे क्षेत्र के लोगों को काफ़ी सहूलियत मिल रही है, कस्टमर को बहुत आराम मिल रहा है, रिजनेबल प्राइस में कम बजट में अच्छा काम करके दे रहे हैं। मेरा पूरा फोकस होता है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। जो भी कस्टमर को कोई दिक्कत भी होती है तो खुद पॉइंट टू पॉइंट हम बात करके उनको संतुष्ट करने का काम करते हैं। आपकी जो शुरुआत हुई, हालांकि एक संघर्षपूर्ण जीवन आपकी रही है, और इसमें मतलब सबसे पहली अगर बात प्राथमिकता अगर मानी जाए कि हाँ, आप सबसे पहली प्राथमिकता अपने लाइफ में किस चीज को दे रहे थे उस टाइम में, जिस टाइम में आप सीख रहे थे? मतलब मेरा सबसे ज्यादा प्राथमिकता जो होती थी वो काम, मतलब अच्छे से अच्छे काम का नॉलेज गेन करना, प्राप्त करना, वो था कि हमको काम सीखना है। और काम सीखते हुए उसी के आधार पे हमारा प्रमोशन कंपनी के द्वारा बार बार किया गया। आप एक हेल्पर से शुरुआत किए और उसके बाद मैनेजर तक गए। हाँ, मैनेजर तक, मतलब सर्विस मैनेजर, बॉडी शॉप मैनेजर तक का चार्ज हमने संभाला, उसको किया। मतलब हमारे साथ मेरे लाइफ में बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो कि आपको बताना चाहेंगे कि 1200 रुपया के सैलरी में पटना में रह के कई दिनों, मतलब कई रात ऐसी घटना हमारे साथ घटी कि जिसमें हमारे पास पैसा नहीं था कि हम गैस भरा के और खाना बना के रात को खाएं। अरे अरे। लेकिन क्या हुआ कि एक रात की घटना है कि जब गैस खत्म हो गया, मेरे पास पैसा नहीं था, तो चिवड़ा जो हम लोग रखते हैं रूम में, चिवड़ा को फुला के और चीनी मिला के और खा के सोना पड़ा। ये सब घटना मेरे साथ घटा है। तो बहुत चुनौतीपूर्ण और संघर्षपूर्ण जीवन रहा है अभी तक। आगे भी मेरा प्रयास रहता है कि अपने क्षेत्र के लोगों के लिए और बहुत सारा विकल्प अभी यहाँ लेके आना है। जैसे अच्छा, आप अमलेश जी एक बात बताइए, चलिए आपने जैसा कि बताया कि संघर्षपूर्ण जीवन रहा, सीखने की ललक थी आप में, जुनून था, तभी आपने संकल्प लिया, उस संकल्प के आधार पे आप आज एक ऑटोमोबाइल्स के ऑनर हैं, आप सर्विस सेंटर के ऑनर हैं, कहीं ना कहीं वो प्लानिंग के तहत आप काम कर रहे थे, इसलिए आप इस जगह पे पहुंचे हैं। और लोगों को, जैसे जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आपसे जुड़ने वाले लोग जो ज्यादा होंगे वो ऐसे होंगे जिनके पास कार होगी। तो एक टेक्निकल समस्या आजकल मैं देख रहा हूँ लोगों के अंदर कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि छोटी सी खराबी कार में हुई और उसे बड़ा बना दिया जाता है, ऐसा और एजेंसीज में देखा जाता है। लोगों का फीडबैक मिलता है तो पता चलता है कि हाँ, एक छोटी सी समस्या थी लेकिन उसको बड़ा बना दिया गया। तो इन सब चीजों से कैसे बचते हैं, और लोगों से जो आपका रिलेशन है वो काफी मजबूत बनता जा रहा है, हालांकि सर्वे में, मेरे भी सर्वे में ये बात आया है, मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ तो पता चल रहा है, तो वो कैसे मेंटेन कर रहे हैं? क्योंकि मैकेनिक्स जो होता है उस पर आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो तरीके से समझ रहा है बात को, वो आपको कैसे गाइडलाइन करता है कि हम ये करेंगे तो अच्छा होगा, ताकि लोगों से रिलेशन बिल्डअप होगा। देखिए, कहने का मतलब है कि इस लाइन में हमको जो है एक्सपीरियंस काफी लंबा है, आप टेक्निकल हैं, इसलिए टेक्निकल है, ग्राउंड लेवल से हमको नॉलेज है। तो अच्छा से अच्छा मैन पावर, जैसे मेरा टेक्नीशियन हो, इलेक्ट्रीशियन हो, डेंटर हो, पेंटर हो, हेल्पर हो, अलाइनमेंट ऑपरेटर हो, वॉशिंग बॉय हो, इवन सर्विस एडवाइजर, मतलब टोटली जो है मेरा टीम बहुत ही एक्सपर्ट लड़का जो है हायर किए, उसको रखे हुए हैं। दूसरी चीज कि अभी हम बहुत सारा कॉन्सेप्ट मेरे जो दिमाग में है अभी लोगों को देने का काम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई कस्टमर है, उनकी गाड़ी घर पे खराब हो गई, उसको टो करके अपने ब्रांच तक लाना, अगर जो इमीडिएट उनके घर तक मेरा ब्रेकडाउन का टीम जाएगा, वहां जाके गाड़ी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश होगी। अगर जो कोई बड़ा फॉल्ट होता है वहां स्टार्ट नहीं होती है, तो उस गाड़ी को टोइंग के माध्यम से अपने यहाँ लाने का काम करेंगे, और यहाँ फिर उतना आराम देने के बारे में अभी हम सोच रहे हैं। दूसरा चीज है कि कार स्कैनर, जैसे मान लीजिए कि लैपटॉप के द्वारा स्कैनिंग किया जाता है, तो अभी अपने क्षेत्र में वो कहीं पे नहीं है, लेकिन वो मेरे यहाँ व्यवस्था हो गया है। 3D अलाइनमेंट की व्यवस्था है, जो है पेंटिंग की, स्प्रे पेंटिंग की व्यवस्था है, ऑटोमेटिक वॉशिंग है मेरे यहाँ, व्हील बैलेंसिंग की व्यवस्था है,
कहते हैं कि नाइट्रोजन गैस रिफिलिंग की व्यवस्था, एसी गैस रिफिलिंग की व्यवस्था, मतलब इवन सारा कॉन्सेप्ट है अपने यहाँ। दूसरा चीज कि कस्टमर हमारे यहाँ आए, जो भी काम लेके आ रहे हैं उस सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश में आती है। जैसे मान आगे आने वाले समय में, जैसे अभी आप मल्टी कार ब्रांड सर्विस यहाँ पे, मल्टी ब्रांड कार सर्विस यहाँ पे आपने मतलब शुरू किया है, और भी कुछ अलग से ऐड करना है इसमें? हाँ, जैसे अभी ऐड इसमें करना है कि शोरूम जो है आगे में हम लोग कार बाजार लगाने का काम करेंगे, मतलब बहुत जल्दी। हाँ, जैसे बहुत से कस्टमर है कि नई गाड़ियाँ लेने से बचते हैं, चूंकि बजट काफी लंबा चौड़ा लगता है, तो उन कस्टमर के लिए हम बहुत जल्दी मतलब फरवरी मार्च तक, फिर मेरे कंपनी का जहाँ एक साल होने का टाइम आएगा फरवरी में, उस टाइम तक कार बाजार लगाएंगे यहाँ पे, जिससे कि लोगों को पुरानी गाड़ियाँ खरीदने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी गाड़ियाँ यहाँ मिलेगी। बाकी अभी नई गाड़ी का भी व्यवस्था अपने यहाँ हो चुका है, वो भी शोरूम बहुत जल्दी खुल जाएगा, तो नया गाड़ी हो उसके साथ साथ पुरानी गाड़ियाँ भी खरीद सकेंगे, उसका फाइनेंस रिफाइनेंस की सुविधा होगी यहाँ पे। अंत में दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको क्या कहना चाहेंगे? अंत में हम अपने सभी दर्शकों को, ग्राहकों से यही मेरा संदेश है कि जैसे शुरुआत में अभी मेरा जो कंपनी खोले हैं, कुछ लोगों को अगर जो कोई प्रॉब्लम भी हुआ हो, दिक्कत हुआ हो, तो वो सब चीज़ों को अभी सॉल्व करने का काम किया, वो सारे चीज़ धीरे धीरे, चूँकि नया कोई भी कॉन्सेप्ट होता है तो कुछ कस्टमर को कुछ परेशानियाँ भी होती हैं, तो वो सारा परेशानी को हम लोग सॉल्व करना कर दिए हैं, और जो भी अभी कस्टमर आएंगे उनको फुली मतलब 110% सेटिस्फेक्शन देने का काम करेंगे, लो मेंटेनेंस में अच्छा काम करके देने का काम करेंगे, और जो नया मेरा कॉन्सेप्ट है आपके माध्यम से बता दिए। जैसे अभी कुछ कस्टमर हैं जो कि वर्कशॉप तक नहीं आ पाए हैं या वो नहीं आ रहे हैं कुछ कारणवश, तो डोर स्टेप सर्विस देने का काम करेंगे। मान लीजिए कि मेरा ड्राइवर जाएगा उनके घर से, गाड़ी को पिक करेगा, फिर यहाँ से सर्विस करने के बाद यहाँ से जाके उनकी गाड़ी को ड्रॉप करेगा घर तक, तो ये सुविधा भी बहुत जल्दी देंगे। कुल मिला के आप एक पूरा फुल प्रिपेयर्ड सर्विस आप लोगों को देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा, ये हमारे साथ सुदामा ऑटोमोबाइल के ऑनर अमरेश कुमार जी थे, और इनका जो संघर्ष की कहानी है वो ये इस एपिसोड में दिखाने का सिर्फ मेरा मकसद ये था कि कोई भी आदमी जब संकल्प लेता है और जुनून के साथ आगे बढ़ता है तो कितनी भी बड़ी बाधाएं हो उसको पाटा जा सकता है, उसको ढहा जा सकता है। सुदामा ऑटोमोबाइल में अमरेश जी जो काम कर रहे हैं यहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए या जो यहाँ पे कार ऑनर्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो है हम लोग पहले ही से सब परिवार लगन से क्षेत्र का काम करने के सोच में था कि कैसे सेवा करें। तो बहुत ऐसा आदमी है कि जिसका पहले पैसा है वो तो पैसा से सेवा करता है, कोई कुछ से हम लोग सोचे कि ऐसा काम करें कि हम लोग जनता का सेवा आप कुछ हेल्प मिले एरिया का। तो हम लोग सोचे कि हम ले ही के हम लोग बच्चे से सोनाली से लेके किरण तक में हम लोग अपने का काम करें, तो हम लोग सोचे कि ऐसा काम करें कि हम लोग मेहनत से ही लोग के सेवा करें। काम भी होता रहे और सेवा भी होता रहे। बहुत सा हम लोग एजेंसी में गए हुए हैं, चाहे देखते हैं लोग जाता है कस्टमर तो कहता है कि भाई तुम काम जल्दी कर दो, तो आता है लेबर एगो नट खुलता है फिर चले जाता है, बहुत सा एजेंसी है। तो हम लोग सोचे कि बहुत दिक्कत हो रहा है लोग, तो हम लोग परसा में एजेंसी खुलने का काम किए कि लोग का सेवा हो या काम धाएँ धाएँ हो, यहाँ वो बात नहीं है। लोग गाड़ी लगा कर घर चले जाते हैं, उनका टायर पर गाड़ी बन के रेडी रहता है, फोन किया जाता है यहाँ पर बेचार अपना गाड़ी लेकर, इतना सेवा हुआ नहीं। हम लोग लगन से हम लोग मेहनत से चाहते हैं कि आम जनता का बुरी तरह से अच्छा से काम हो, बिना मेहनत का आगे नहीं बढ़े। मेहनत कीजिएगा या ईमानदारी, और पहले तो ईमानदारी है, ईमानदारी से कोई कारोबार आगे बढ़ता है, मेहनत का ईमानदारी चाहिए। आप भले हो ने बहुत सा जाइएगा तो नोट खराब है, ठीक है उसी को कह देता है एजेंसी की नोट खराब है, तो ईमानदारी नहीं, पैसा छल पता नहीं छलिएगा। मतलब यहाँ पे पारदर्शिता है, सब अच्छे से काम हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छा से काम, और भी हर एक तरह का सुविधा हम लोग। आज के एपिसोड में हम अमरेश जी यानी सुदामा ऑटोमोबाइल्स के बारे में बता रहे थे। अगले एपिसोड में हम फिर किसी और नए चेहरे से बात करेंगे। तब तक आप देखते रहें टीडी न्यूज। नमस्कार।